अगर आपने भी आपकी दाढ़ी को कम एज में गलती से काट लिया है तो इसके बाद क्या करना सही होता है और आपको क्या करना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी कम एज के बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलती से दाढ़ी को काट लिया, गलती से सेव कर लिया, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, क्या आती क्या नहीं आती है। तो मैं हर रोज़ एक कमेंट का रिव्यू करता हूँ, जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं उसमें से एक कमेंट का मैं पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो उसमें भी यही कमेंट है, पहले हम कमेंट को पढ़ते हैं फिर बाद में उसका क्या सॉल्यूशन होगा सबसे अच्छा मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये भाई बोल रहे हैं, मैं तो कम उम्र में गलती से सेविंग कर लिया है, बाद में पछता रहा हूँ तो क्या करूँ। यानी ये बोल रहे हैं, मैंने कम एज में गलती से सेविंग कर ली, गलती से दाढ़ी काट ली, अब मैं पछता रहा हूँ क्या करूँ। तो भाई पहली बात तो एक जो मुहावरा है कि पछतावे क्या होता है, अब चिड़िया चुग गई खेत, यानी आपने गलती तो कर ली है, अब पछताने से क्या होगा, अब आपकी दाढ़ी आएगी और आपकी दाढ़ी आ भी रही होगी, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। स्कूल जाते हो, आप कम एज के हो, आपके घर वाले आप पे ताना मारते हैं, पड़ोसी वगैरह ताना मारते हैं कि यार तेरी जल्दी दाढ़ी आ गई है और तेरे साथ ऐसा क्या हो गया, तू बड़ा हो गया, तेरी एज ज़्यादा हो गई, ऐसे बहुत सारी कमेंट्स मारते हैं। तो आपको किसी की भी नहीं सुनना, ये होता है ट्रिमर, आपने इसका नाम सुना होगा, इससे आप आपकी दाढ़ी को ट्रिम करते हो जीरो, यानी इससे आप दाढ़ी को काट सकते हो। ये ट्रिमर होता है, इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये चार्जिंग पिन होती है, आप चार्ज कर सकते हो, इसमें आपको एक सेल देखने को मिलता है, आप एक सेल इसमें लगा सकते हो। तो ये 250 रुपये का आता है। तो अगर आपकी कम एज है, आप दाढ़ी को काटना चाहते हो या आपने गलती से दाढ़ी काट ली उसके बाद आपकी दाढ़ी आने लग गई है, तो आप इस ट्रिमर से आपकी दाढ़ी को काट सकते हो पूरी, जिससे कि आपकी दाढ़ी आराम से आने लगेगी, तेज नहीं आएगी। अगर आप दाढ़ी को ब्लेड से, जिलेट गार्ड से या फिर आप सेव करते हो तो उससे आपकी दाढ़ी बहुत तेज आने लग जाती है और बहुत जल्दी आने लग जाती है, फिर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते और आपकी एज कम रह जाती है। और अगर आपकी कम एज में दाढ़ी आ जाती है तो हो सकता है आपकी हाइट भी ना बढ़े, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और आप कम एज में ही बुढ़े टाइप के दिखने लग जाते हैं, आपके फेस पर दाढ़ी होती है, आपकी हेल्थ नहीं, यानी आप कुल मिला के आप बच्चे हैं, आपने गलती कर ली है और गलती हो चुकी है, तो उसके बाद आपको दोबारा से ना तो उस पर कैंची चलाना आपके दाढ़ी वालों पर, ना उसको दोबारा से सेव करना है। तो उसके लिए आपको ओनली ट्रिमर यूज़ करना है, 250 रुपये का आएगा। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, चाहो तो आपकी पास की दुकान से लेकर सकते हो, इससे महंगे भी आते हैं, 500, 600, 1000, 2000 वाले, जैसी आपकी कॉस्ट है उस अकॉर्डिंग से आप ले सकते हैं। इसको चलाना बहुत आसान है, इसको ऑन करें जहाँ पर भी आपकी दाढ़ी पूरा काट लें भाई, इससे आपकी दाढ़ी ग्रोथ 10% कम हो जाएगी, यानी आपकी दाढ़ी आना बंद हो जाएगी, स्लो स्लो आएगी और आपके दाढ़ी के बाल जल्दी मोटे नहीं होंगे। तो अगर आपने भी ये गलती कर ली तो आप बिल्कुल ना पछताएं, होता रहता है लाइफ में, आपको आगे चल के दाढ़ी तो उगाना ही है, लेकिन अभी नहीं उगाना तो आप मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप दाढ़ी बालों को उखाड़ोगे, बैक्स करोगे, थ्रेड करोगे तो उससे और ज़्यादा आएगी, तो आप ट्रिमर बेस्ट ऑप्शन है, इसका आप यूज़ करें। तो अगर आपने भी ऐसी कुछ गलतियाँ कर रखी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दे सकूँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।